नतीजों पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और पूर्व सीएम मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े करते हुए मायावती बीजेपी पर साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों को अपनाने का आरोप लगा रहे हैं और बता दें कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने इसके साथ सरकारी बता दें कि मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। बीएसपी प्रमुख कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए और मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि तमाम विपरीत हालात का सामना करते हुए बीएसपी पर भरोसा करके पार्टी उम्मीदवारों को वोट करने के लिए लोगों का तहे दिल से आभार और शुक्रिया। अगर ये चुनाव भी फ्री एंड फेयर होता तो नतीजों की तस्वीर कुछ और ही होती। बैलेट पेपर से कुछ चुनाव होने पर बीएसपी मेयर चुनाव भी जरूर जीतता। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बीएसपी नेता जुड़ चुके हैं, जिनसे जान लेती हैं। और आपका पहले तो आभार व्यक्त करते हैं हमारे साथ न्यूज चैनल में हमारे जुड़ने के लिए। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से तमाम विपरीत हालात सामने आ रहे हैं और बैलेट पेपर और इसी के साथ सरकारी मशीनरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इसको लेकर जो मायावती ने ट्वीट किया है और उन्होंने बताया कि अगर जीत होती तो उसकी तस्वीर कुछ अलग होती, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल को सभी को नमस्कार करता हूं। और मायावती जी बहुत सूझी समझी राजनीति करती हैं और बहुत ही अनुभवी हैं, तो उन्होंने जो कहा है कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि मेयर के चुनाव पिछली बार बैलेट से हुए थे, हम लोगों ने दो सीटें जीती थी और अब की बात सारी सीटें चुनाव ईवीएम से हुए। और आपको उदाहरण मिल गया होगा गोरखपुर में काजल निषाद जी से रो रो के चिल्ला रही थी कि हम चुनाव जीते थे, हमें हराया गया। तो ऐसे ही स्थितियां पूरे प्रदेश में रही, बट इस सरकार ने लोगों के मन में इतना डर भर दिया है, पुलिस प्रशासन इतना तानाशाह हो गया है कि जो चुनाव बेईमानी के साथ हारा उसको डंडे की फटकार से भगा दिया गया। तो स्थितियां प्रदेश में आज लोकतंत्र की नहीं रह गई हैं, केवल तानाशाही की रह गई है। और बीजेपी पूरी तरह तानाशाही के लिए, उसने जो जीत कर ली है कि मुझे 17 निगम चाहिए तो चाहिए, उसके लिए साम दाम दंड जो भी जैसे लगना है वो लगाएगी और अधिकारी सरकारी मशीनरी उनके साथ पूरा उनका मदद करने में लग जाती है। विजय जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरीके से मायावती जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से ये चीज लिखी है, ईवीएम और बैलेट पेपर, इन दोनों का फर्क और आप लोगों के नतीजों में इस चीज का क्या कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? फर्क है ही है। अब आप बैलेट पेपर नगर निकाय में चुनाव हुए, वहां हम लोग चुनाव जीते हैं और नगर पालिका हम लोगों ने जीती है बैलेट पेपर से। और ईवीएम में, ईवीएम पहले भी जो अपना करते रहते हमारे जो कम पढ़े लिखे मतदाता है ईवीएम तक नहीं पहुंच पाते, आज ईवीएम चलाने का जब अमेरिका ने ईवीएम को हटा दिया, तुम फॉरेन की कई देश विदेश में ईवीएम हट गया, तो भारत में अगर कहीं ना कहीं अगर उसमें खामियां थी तभी तो वहां हटाया गया, तो आज भारत में चल रहा है तो इसमें खामियां हैं। और ईवीएम का उपयोग जब नगर निकाय के चुनाव सारे बैलेट पेपर से होते थे तो नगर निगम में ईवीएम लाने की जरूरत क्या पड़ी? इसका मतलब बीजेपी के मन में या भाजपा के मन में कहीं ना कहीं ये बेईमानी और तानाशाही की बात रही होगी, तभी उसने जबरदस्ती ईवीएम के तहत चुनाव करा के पूरी तरह एक हिटलरशाही व्यवस्था में अपने सारे नगर निगमों को जिताया है। लेकिन कहीं और जगह जैसे चुनाव हुए हैं मेयर पद के लिए तो उसमें ईवीएम पर पूरा भरोसा जताया है प्रत्याशियों ने, पर आपकी सरकार अगर नहीं जीती है इस पर तो आप क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन सही नहीं है, अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होता तो वो सही होता? नहीं, मैं ईवीएम मशीन सही नहीं है की बात नहीं है। अभी भारत में या उत्तर प्रदेश में मतदाता उतने शिक्षित नहीं है, जो हमारा अधिक मत वोट करने वाला तबका है वो कम पढ़ा लिखा है, बुजुर्ग हैं, जिनको वहां पे जाने पे ईवीएम की बटने नहीं दिखाई पड़ती, तो उस पे तो जो वहां पे सत्ता पक्ष के लोग रहते हैं वो बटन दबा देते हैं। तो इसलिए हमारा मानना है कि जब आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो उसमें जो निशान रहेगा कम से कम वो बोल तो देगा कि भाई मुझे इस पे मोहर लगानी है। तो इसके अलावा और कुछ क्या कुछ कहना है कि अब चुनाव में आपने कहा कि नतीजे कुछ और होते, तो इस वक्त आपने क्या कुछ उम्मीदें लगाई हुई थी और
कितनी उम्मीदों पर आपको वोट मिला है और बाकियों पर नहीं? नहीं, हम लोगों ने जितनी उम्मीदें लगाई थी उसके सापेक्ष वो चीजें हम लोगों को नहीं मिली, क्योंकि हम लोग ने मेहनत बहुत की थी, हमारे कार्यकर्ता बहुत मेहनत किए थे, हमारे नेतागण ने मेहनत की थी, लेकिन उसके सापेक्ष हमें परिणाम नहीं मिले। लेकिन तब भी ठीक है, जनता का जो निर्णय है वो मान्य है। हम लोग फिर पूरी मेहनत के साथ लोकसभा की तैयारी करेंगे और आने वाले चुनाव में और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए।